हाई एवरी वन आई एम करण मश्रू वेलकम टू दिस वीडियो बिफोर मोइंग ऑन टू द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कोड रो सी अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाई न्यूटन स्कूल जहाँ पे टेन लैक तक के प्राइजेस है मोर देन फाइव हंड्रेड पीपल विल बी गेटिंग प्राइजेस एंड गिफ्ट वाउचर्स एंड देर आर ऑल्सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज विद टॉप टेक कंपनीज सो वट आर यू वेटिंग फॉर रजिस्टर फॉर इट एज सुन एज पॉसिबल बाय द लिंक विच इज गिवन दर इन द डिस्क्रिप्शन इन दिस वीडियो विल भी डिस्कसिंग लिट कोड वीकली कंटेस्ट थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव प्रॉब्लम डी दैट इज नंबर ऑफ ग्रेट पार्टीशंस As always, let's start by understanding the question. You are given an array nums consisting of positive integers and an integer k. ठीक है क्या बोला गया है कि एक एरे दिया गया है nums करके जिसमें कि positive integers है और एक integer दिया गया है that is k. Okay. Partition the array into two ordered groups such that each element is in exactly one group. पार्टीशन इज कॉल्ड ग्रेट इफ द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के ठीक है अब हमें ये जो एरे दिया गया है इसको हमें दो ग्रुप में पार्टीशन करना है ठीक है और एक चीज यहाँ पे क्या बोली गई है पार्टीशन दी आ, एरे एरे एलिमेंट्स इनटू टू ऑर्डर्ड ग्रुप्स ऑर्डर्ड ग्रुप्स का मतलब क्या है कि दोनों को हम अलग अलग कंसिडर करेंगे फॉर एग्जांपल अगर मेरे एरे के एलिमेंट्स वन टू है तो पहले ग्रुप में मैंने वन रखा और दूसरे ग्रुप में मैंने टू रखा पहले ग्रुप में मैंने टू रखा और दूसरे ग्रुप में मैंने वन रखा नाउ एक तरह से ये डिवीजन तो सेम है एक ग्रुप में वन है एक ग्रुप में टू है बट बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर्ड बोला गया है तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट कंसिडर होंगे मतलब कि ये पार्टीशन और ये पार्टीशन डिफरेंट कंसिडर होंगे ठीक है ओके okay. लेट तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ये ग्रुप वन है एंड ये ग्रुप टू है ठीक है ओके नाउ क्या बोला गया है दिस पार्टीशन इज कॉल्ड ग्रेट इफ दी सम ऑफ एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के इन बोथ दी ग्रुप्स अगर ऐसा पार्टीशन है कि दोनों ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स है उनको अगर हम सम करें तो दोनों ग्रुप के सम ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो इस पार्टीशन को हम ग्रेट पार्टीशन बोलेंगे रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंग ग्रेट पार्टीशन सिंस द आंसर में बी टू लार्ज रिटर्न इट मॉड्यूलो टेन के पावर नाइन प्लस सेवन तो अब ये नम्स जो एरे है इसमें से हम कितने नंबर ऑफ ग्रेट पार्टीशन बना सकते हैं ये रिटर्न करना है और बोला गया है कि ये आंसर बहुत लार्ज हो सकता है इसलिए मॉड्यूलर टेन की पावर नाइन प्लस सेवन प्रिंट करना है मतलब कि लेट्स सपोज हमारे पास तीन एलिमेंट्स है तो तीन एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करने के कितने तरीके होंगे एट बिकॉज एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो ग्रुप वन में भी जा सकता है और ग्रुप टू में भी जा सकता है उसके पास दो चॉइसिस है तीनों एलिमेंट के पास दो दो चॉइस है मतलब टू इंटू टू इंटू टी टू इंटू टू इंटू टू मतलब कि टू की पावर थ्री मतलब कि एट ठीक है तो वैसे ही अगर एन की वैल्यू लेट्सेंड है एलिमेंट्स तो टू की पावर थाउजेंड पॉसिबिलिटी ग्रेट पार्टीशन कितने है, वो बताने एंड आंसर में टू पार्टीशन आर सम एलिमेंट नम्स ऑफ आई इज इन डिफरेंट ग्रुप इन टू पार्टीशन दो पार्टीशन है उनको हम अलग कब बोलेंगे जब कोई एक भी एलिमेंट ऐसा हो जो अलग अलग ग्रुप्स में प्रेजेंट हो मतलब कि लेट्स सपोज फर्स्ट ग्रुप में वन टू थ्री है सेकंड में फोर एंड फाइव है अगर मैं एक भी एलिमेंट को चेंज कर दूं जैसे कि यहाँ पे मैंने थ्री को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इसको भी हम अलग पार्टीशन बोलेंगे ये एक अलग पार्टीशन है ये अलग पार्टीशन है ठीक है एंड कंसेंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं तो हमें नंबर ऑफ ग्रेट पार्टीशन बताने हैं आई होप क्वेश्चन क्लियर अब इसके कंसेप्ट मूव करते हैं सो so, अब यहाँ पर अगर कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो मेजरली यहाँ पर कंसेप्ट तो हमें पता ही है मेजरली यहाँ पर चीज़ क्या है कि इसको एफिशिएंटली और करेक्टली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे नाउ यहाँ पर अगर मैं ब्रूट फोर्स मेथड की बात करूँ तो देखो हमें दो पार्टीशन करने हैं एरे के ठीक है और ये ऑर्डर्ड पार्टीशन है मतलब कि अगर यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है यहाँ पे टू है यहाँ पे वन है तो एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन सेम है एक में वन डाला एक में टू डाला लेकिन ऑर्डर्ड पार्टीशन का मतलब क्या है कि इसको ग्रुप वन कंसिडर करेंगे इसको ग्रुप टू कंसिडर करेंगे तो ये दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग काउंट हो गए ठीक है तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकता है कि हम हमारा एरे जो है उसके टोटल कितने दो डिफरेंट पार्टिसिपे पार्टीशन हो सकते हैं टू की पावर एन हो सकता है क्यूब लेट सपोज मेरे पास एन की वैल्यू है तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसके पास दो चॉइसेस है या तो वो ग्रुप वन में जाए या ग्रुप में जाए सेकेंड के पास भी दो चॉइस है थर्ड के पास भी दो चॉइस है फोर्थ के पास भी दो चॉइस है तो टोटल टू की पावर फोर ठीक है टोटल इतनी पॉसिबिलिटी है सिमिलरली अगर एन एलिमेंट्स है तो टोटल टू की पावर एन पॉसिबिलिटीज होगी नाउ आई कैन नॉट जनरेट ऑल टू की पावर एन बिकॉज यहां पे लेट्स मी टेक एन इक्वल टू नम्स .डॉट साइज ये जो एरे है उसमें कितने एलिमेंट्स है उसके बराबर में लेता हूं तो वो थाउजेंड तक जा रही है तो टू की पावर एक्सपोनेंशियल एंड वी कैन सॉल्व इट इन गिवन टाइम तो हमें यहाँ पे कुछ और एफिशिएंट सोचना पड़ेगा ठीक है ना एक बात समझो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये यह बताना है कि कितने ऐसे पार्टीशन होंगे जिसमें दोनों एरेस जो है उनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा ठीक है दोनों जो पार्टीशन है उन दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा ठीक है तो एक बात समझो यहां पे के वैल्यू थाउजेंड तक ही है तो सम लेस देन के वाले कितने पार्टीशन होंगे वो कैलकुलेट करना इजी होगा फिर टोटल पॉसिबिलिटी में से हम वैसी पॉसिबिलिटी माइनस कर देंगे जहां पे किसी एक पार्टीशन का सम लेस देन के होगा या तो दोनों का सम के होगा तो भी हमारा काम हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है उसको हमें पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करनी है ठीक है और दूसरा यहां पे क्या हम छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूज करके बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं तो ये दोनों फीचर्स को देख के क्या हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में सोच सकते हैं देखो छोटे प्रॉब्लम का यूज करके बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमने अभी क्या डिसाइड किया कि बिकॉज के की वैल्यू थाउजेंड तक ही है तो हम वैसे पार्टीशन निकाल देंगे जिसमें किसी पार्टीशन का सम लेस देन के होगा क्योंकि हमें ऐसे पार्टीशन चाहिए जहां पे दोनों ग्रुप्स का सम ग्रेटर देन इक्वल टू के हो ठीक है तो मैं क्या करता हूँ मैं ये कोशिश करता हूँ एक ऐसा सबसेट बनाने की जिसका सम लेस देन के होगा ठीक है अगर मैं ये काउंट कर लू कि ऐसे कितने सबसेट्स हैं जिनका सम लेस देन के होगा तो मैं यह कह सकता हूं कि माई आंसर वुड बी इक्वल टू टू की पावर एन माइनस टू इन टू ये जो काउंट मुझे मिलेगा वो वाई बिकॉज लेट मी टेक के इक्वल्स टू फाइव ठीक है लेटेस्ट एलिमेंट्स एज फोर वन एंड सिक्स ठीक है तो मेरे पास तीन एलिमेंट्स है और के वैल्यू फाइव है मैंने क्या बोला मैं ये काउंट कर लेता हूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऐसे कितने होंगे जिनका सम लेस देन के होगा अगर मैं इनके सबसेट्स की बात करूं तो एक तो नल दूसरा सिर्फ फोर फिर सिर्फ वन फिर सिर्फ सिक्स फिर फोर वन फिर फोर सिक्स फिर वन सिक्स एंड देन फोर वन सिक्स ठीक है टोटल एट सबसेट्स होंगे अब हमने सबसेट्स क्यों काउंट किए क्योंकि अगर मैं दो पार्टीशन में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं एक को सबसेट मान लू तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली दूसरे में आ जाएंगे क्योंकि हर एक एलिमेंट दोनों में से किसी ना किसी एक में एग्जैक्टली आना चाहिए ठीक है।, तो है जीरो इसका सम क्या है फोर इसका सम क्या है वन इसका सम क्या है सिक्स इसका सम क्या है फाइव इसका सम टेन इसका सम सेवन और इसका सम इलेवन तो नंबर ऑफ सबसेट्स विद सम लेस देन के कितने हैं एक दो तीन तो मैं ये कह सकता हूं माय आंसर इज टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन दैट इज 2 की पावर थ्री माइनस टू टाइम्स थ्री That is एट माइनस सिक्स दैट इज टू दो पार्टीशन ऐसे होंगे जहां पे दोनों पार्टी के पास सम ग्रेटर द इक्वल टू के होगा अब इस बात को समझो मैंने क्या किया मैंने सबसेट्स कैलकुलेट किए जिनका सम लेस देन के होगा ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली ग्रुप वन और ग्रुप टू में मुझे डिवाइड करना है तो ग्रुप वन जो है उसको मैं सबसेट मान रहा हूं ठीक है तो ये जो सबसेट्स है वो ग्रुप में है तो रिमेनिंग एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट ग्रुप टू में हो जाएंगे बट दे कैन बी इंटरचेंज अगर मैं कहता हूं कि सब ग्रुप वन में ये वाला सबसेट है मतलब सिर्फ फोर है तो इसका मतलब ग्रुप टू में क्या होगा वन कॉमा सिक्स होगा बट

बट हम नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट कर रहे हैं तो वो हम ग्रुप में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हमने वो सारे सबसेट कैलकुलेट कर लिए जिनका सम लेस देन के था अब वो वाला सबसेट ग्रुप वन में भी हो सकता है ग्रुप टू में भी हो सकता है तो इसलिए इंटू टू अब इससे हमारा आंसर आ जाएगा तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ विद सम लेस देन की अगर मैंने कैलकुलेट कर लिए तो माय आंसर वुड बी वु की पावर एंड माइनस टू टाइम पे भी हो सकता है यहां पे भी हो सकता है एंड जिस भी ग्रुप में होगा उसके ऑपोजिट ग्रुप में रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे ठीक है इन टू टू विल गिव मी माई आंसर ओके यहां पे दो आंसर आए मतलब कि वो कौन कौन से पार्टीशन होंगे अगर पहले ग्रुप में वन कोमा सिक्स है और दूसरे ग्रुप देखो अगर पहले ग्रुप में फोर कॉमा वन है और दूसरे ग्रुप में पहले ग्रुप में फोर दूसरे ग्रुप में 6 है या तो पहले ग्रुप में आ, 6 है और दूसरे ग्रुप में फोर वन है तो इन दो केसेस में ही मेरा सम ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव होगा तो इसलिए यहाँ पे आंसर टू है नाउ और कुछ चीजें डिस्कस करनी है पहली बात तो एक्सपोनेंशियल से में टाइम कन्वर्ट करना है क्या हम ये वाला जो प्रॉब्लम है वो छोटे पार्ट में सॉल्व करके बड़े पार्ट के लिए सॉल्व कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए सबसेट्स के लिए मुझे सबसेट्स की काउंट चाहिए हु सम लेस देन के तो अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया है कि पहले आई एलिमेंट्स को यूज़ करके ऐसे कितने सबसेट्स हैं जिनका सम लेस देन के है तो मैं पहले आई प्लस वन एलिमेंट्स को यूज करके ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे जिनका सम लेस देन के है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ हाँ कर सकता हूँ बिकॉज जब मैं ये बात कर रहा हूं कि पहले आई प्लस वन एलिमेंट को यूज करके मुझे सबसेट्स बनाने हैं तो ऑलरेडी पहले i एलिमेंट्स को यूज करके जो सबसेट्स बने जिनका सम लेस देन के है वो तो इसमें कंसिडर होगा ही होगा क्योंकि मैं आई प्लस वन एलिमेंट को सबसेट में नहीं ले रहा आई प्लस वन एलिमेंट को या तो हम सबसेट में लेंगे या नहीं लेंगे है ना तो ये जो आई वाले उनमें अगर मेरे पास काउंट है कि ये लेस वाले सबसेट्स है तो आई प्लस ये क्या है पहले एलिमेंट्स को यूज करके ऐसे कितने सबसेट बनेंगे तो अगर पहले i प्लस वन एलिमेंट को यूज करके कितने ऐसे सबसेट बनेंगे जिनका सम लेस के है वो मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा पहले तो i प्लस वन एलिमेंट को या तो लेना है या नहीं लेना तो जब मैं नहीं ले रहा तो ये i तक के जो सबसेट थे वो बाय डिफॉल्ट लेस देन के वाले वो तो कंसीडर होंगे ही नाउ i 1th एलिमेंट अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मैं ये देखूंगा कि i तक ऐसे कितने सबसेट है जिनका सम k 1 क्योंकि मैक्सिमम ये सम हो सकता है और मैं कौन सा i 1 एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं तो nums ऑफ i 1 I तक ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिनका सम लेस देन इक्वल टू के माइनस वन माइनस टर्म्स ऑफ आई प्लस वन होगा ठीक है तो ये हम रिलेशन कुछ बना के हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टेबल फिल करके आंसर जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे बस एक फीलिंग लेनी है जब हम एग्जैक्ट कोड देखेंगे अभी तो भी आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा है तो ओके ना यहाँ पे एक और चीज मुझे बतानी है जहां पर आपको रॉन्ग आंसर आ सकता है वो यहां पे तो देखो टू आंसर आ गया लेकिन यहां पे टू आंसर क्यों आ गया क्योंकि जब आपका कोई पर्टिकुलर सबसेट था जिनका सम जो है वो लेस देन के था जैसे कि इसका सम टोटल सम क्या है फोर प्लस सिक्स टोटल सम इलेवन है तो यहाँ पे अगर मतलब कि टोटल सम ग्रेटर देन इक्वल टू तो टू के है मतलब कि देर इज अ पॉसिबिलिटी वेर इट कैन बी पार्टीशन इन टू टू ग्रुप टू के जैसे कि यहाँ पे अगर एक सबसेट का सम जीरो है तो दूसरे का इलेवन होगा एक का अगर फोर है तो दूसरे का सेवन होगा एक का वन है तो दूसरे का टेन होगा एक का सिक्स है तो दूसरे का फाइव होगा एक का फाइव है तो दूसरे का सिक्स होगा एक का टेन है तो दूसरे का वन होगा एक का सेवन है तो दूसरे का क्या होगा फोर होगा और एक का इलेवन है तो दूसरे का क्या होगा 0 होगा ठीक है ओके okay. नाउ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक एलिमेंट एक सबसेट ऐसा है जिनका सम ग्रेटर टू के है जैसे कि यहाँ पे इलेवन सेवन टेन फाइव सिक्स या तो दोनों के दोनों हैं जो कि हमारे वैलिड पार्टीशन है ये वाले या तो टेन या तो सेवन या तो इलेवन तो इसलिए ये फॉर्मूला वर्क कर रही है एक जगह पे ये फॉर्मूला फेल हो जाएगी अगर वो आपने कॉर्नर केस नहीं लिखा तो आपको रॉन्ग आंसर आ सकता है कहाँ जहां पे टोटल सम लेस देन टू के है यहाँ पे क्या होगा आप रिपीटेटिव माइनस करोगे अभी हम क्या कर रहे थे आंसर की पावर टाइम्स जिनका सम लेस थेन के है तो जब हम लेस देन के वाले सबसेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तब ऑपोजिट जो सबसेट था उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू के वाले सम हमें मिल रहे थे इसलिए यहां पे प्रॉब्लम नहीं थी अब यहां पे देखो अगर मेरे के की वैल्यू है फाइव ठीक है ना एंड माई एलिमेंट्स आर वन टू एंड थ्री सो द टोटल सम ऑफ एलिमेंट्स इज थ्री प्लस टू सिक्स प्लस वन सेवन इट कैन नेवर बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट वेर सम ऑफ इच एलिमेंट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू फाइव क्योंकि टोटल सम ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट टेन होना चाहिए अब यहाँ पर अगर ये आप फॉर्मूला लगाओगे तो एक सबसेट हो गया नल एक सबसेट हो गया वन एक सबसेट हो गया वन टू एक सबसेट हो गया वन थ्री एक सबसेट हो गया टू थ्री एंड एक सबसेट हो गया वन टू थ्री है ना एक सबसेट हो गया टू एक सबसेट हो गया थ्री टोटल एट हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट इसका सम है जीरो इसका सम है वन इसका सम है थ्री इसका फोर इसका फाइव ये सिक्स सॉरी ये टोटल सम क्या है सिक्स है ठीक है ना ये टू और ये थ्री नाउ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ वन टू एंड थ्री इज टू की पावर थ्री इज एट एट माइनस टू टाइम्स ऐसे सबसेट जिनका सम लेस देन फाइव हो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एट माइनस ट्वेल्व दैट इज माइनस फोर ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं मतलब कि जब मेरा एक सबसेट वन कॉमा है तो दूसरा सबसेट क्या है थ्री है तो जब इसका सम थ्री है और इसका सम थ्री है दोनों का सम लेस देन के है लेकिन हम मल्टीप्लाई बाई टू भी कर रहे हैं मतलब कि जब यहाँ पे थ्री होगा और यहाँ पे वन टू होगा तब भी ये सब होगा यहाँ पे क्या हो रहा था जब हम एक ऐसा सबसेट ले रहे थे जिसका सम लेस देन के है जैसे फोर तो दूसरे का स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू के था क्योंकि टोटल जो सम है ऑफ एलिमेंट्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू के है तो इसलिए यहां पे ये गड़बड़ हो सकती है तो पहले हम क्या करेंगे ये चेक कर लेंगे कि अगर टोटल सम लेस देन टू के है तो सीधा जीरो प्रिंट कर देंगे अगर टोटल सम ग्रेटर देन इक्वल टू टू के है तो इस तरह का कुछ लॉजिक यूज करके डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम टेबल फिल करेंगे और आंसर रिटर्न करेंगे अब इसका इंप्लीमेंटेशन एग्जैक्ट देखते हैं तो अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो अब हमें यह कैलकुलेट करना है पहले तो मैं एक बात बता दूं जैसे कि मैं एक टोटल ले लूंगा जिसमें कि मैं बेसिकली क्या करूंगा सम ऑफ एलिमेंट स्टोर कर दूंगा समेशन नम्स ऑफ आई ठीक है ना फ्रॉम आई इक्वल टू वन टू एन वेर एन इज द साइज ऑफ दिस एरे नम्स ठीक है ना और अगर टोटल जो है वो लेस देन टू के हुआ तो हम सीधा जीरो रिटर्न कर देंगे ये हमने कंसेप्ट वाले पार्ट में काफी डिटेल में देखा है ठीक है ओके okay. नाउ अब हमें क्या करना है हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना है जिनका सम लेस देन के होगा ठीक है ओके okay. तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं देखो डी पी ऑफ आई जे विल डिनोट नम एलिमेंट्स इज आई एलिमेंट्स इज आई फर्स्ट जे एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट जे एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एंड डी पी ऑफ आई जे विल रिटर्न The number of subsets made using first j elements whose sum is equal to i.

मतलब कि नंबर ऑफ सबसेट्स मेड यूजिंग फर्स्ट एन एलिमेंट्स क्योंकि एन इज लेंथ ऑफ दिस एरे नम्स लेस देन आई और आई को हम जीरो से लेके के माइनस वन तक वेरी करेंगे और ये हम टोटल मिल जाएगा ठीक है तो अगर हम ऐसा सोच रहे थे तो हमारा डीपी एरे क्या होना चाहिए मैक्सिमम थाउजेंड और वन थाउजेंड वन होना चाहिए क्योंकि लेस देन के तक मुझे जाना है के की मैक्सिमम वैल्यू थाउजेंड है तो मुझे मैक्सिमम नाइन नाइनटी नाइन तक जाना पड़ेगा और यहां यह क्या डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिडर्ड तो यह जो है इसकी लेंथ थाउजेंड है मतलब मैक्सिमम थाउजेंड एलिमेंट हो सकता है नाउ इसके बेस केस फिल करो अगर मुझे जीरो सम चाहिए यूजिंग एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ऐसा सबसेट पॉसिबल है हर बार पॉसिबल है अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास थाउजेंड एलिमेंट्स है और मुझे ऐसा सबसेट चाहिए जिसका सम जीरो है तो कितनी पॉसिबिलिटी है एक कौन सा सबसेट नल सेट किसी को लो ही मत सो फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस तेन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस डी पी ऑफ जीरो आई इक्वल्स टू वन ऐसे सबसेट जिनका सम जीरो है एंड पहले आई एलिमेंट्स को कंसिडर किया है तो एक ही पॉसिबिलिटी है नल सेट नाउ, अगर मैं आपको बोलू मेरे पास एलिमेंट्स ही नहीं है तो क्या कोई सम पॉसिबल है नहीं है सो फॉर आई इक्वल्स टू वन आई लेस देन के आई प्लस प्लस डी पी ऑफ आई कॉमा जीरो नंबर ऑफ हैविंग सम आई वे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज जीरो इस जीरो अगर एलिमेंट्स ही नहीं है तो सम कैसे कंसीडर करेंगे ये मैक्सिमम ये हो सकता है आप इसकी जगह यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हो के एंड यहाँ पे एन प्लस वन ठीक है ना तो, तो ये टोटल एन एलिमेंट्स कंसीडर करने के लिए और ये सम जो है वो लेस देन के तक ही मुझे चाहिए नाउ फॉर आई इक्वल्स टू वन आई इज लेस देन के आई ठीक है फॉर टू जीरो सॉरी जे इक्वल्स टू वन जे इज लेस इक्वल टू एन जे प्लस प्लस ठीक है डी पी ऑफ आई जे मतलब कि नंबर ऑफ सबसे सम आई विथ फर्स्ट जे एलिमेंट्स कंसिडर्ड कितने होंगे अगर मैं जेथ एलिमेंट को नहीं लेता देन इट वुड बी नंबर ऑफ सबसे सम आई विथ जे माइनस वन एलिमेंट्स अगर मैं जेथ एलिमेंट को नहीं लेता देखो जेथ एलिमेंट को या तो हम लेंगे या तो हम नहीं लेंगे सो इट वुड बी सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सम आई विद माइनस वन एलिमेंट्स और अगर हम इसको कंसिडर करते हैं देन इट वुड बी नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग सम आई माइनस नम्स ऑफ जे माइनस वन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जे माइनस वन ये समझ में आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग सम आई एंड व्हेन फर्स्ट जे एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग सम आई व्हेन जे प्लस वन माइनस वन एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड जे एलिमेंट को हमने नहीं लिया अगर हम जे एलिमेंट को लेते हैं और अगर मुझे सम आई चाहिए तो जे माइनस एलिमेंट्स तक क्या कंडीशन रही होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वुड बी जे माइनस और टोटल सम मुझे आई चाहिए जेथ एलिमेंट की वैल्यू नम्स ऑफ जे माइनस वन है क्योंकि ये जीरो इंडेक्स वेक्टर है तो टोटल सम क्या रहा होगा जे माइनस वन तक के एलिमेंट्स कंसिडर करने होंगे और क्योंकि हम जेथ एलिमेंट को ले रहे हैं और टोटल सम मुझे आई चाहिए तो उसके एक स्टेप पहले सम क्या रहा होगा आई माइनस नम्स ऑफ जे माइनस आई ठीक है जैसे कि मुझे सम टेन चाहिए और मैं जे इक्वल टू तो थ्री वाला एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं और इसकी वैल्यू है सेवन तो इससे पहले टेन माइनस सेवन इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स आए होंगे उनका सम थ्री होना चाहिए तभी थ्री प्लस सेवन वुड गिव मी टेन सो दिस इज टेन माइनस सेवन दैट इज थ्री ओके एंड दैट इज जे माइनस वन ओके एंड देन यहाँ पे मॉड लगाना होगा आल्सो यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी होगी अगर ये i माइनस नम्स ऑफ जे माइनस आई वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ही वरना सिर्फ ये एक कॉम्पोनेंट आएगा ठीक है ओके नाउ okay. मुझे क्या चाहिए नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग सम लेस देन के विथ एन एलिमेंट्स कंसीडर्ड तो वो कैसे मुझे मिलेगा देखो मैं सम को जीरो ले लेता ले ले हूँ एक सम वेरिएबल लेता हूँ फॉर i इक्स टू जीरो i इज लेस देन k i प्लस प्लस ये जीरो से लेके k माइनस वन तक के सम वाले ही सबसेट चाहिए सो वॉट आई कैन डू इज और बेटर टू डू आंसर वुड बी इक्वल टू टू की पावर एन इसको मैं पहले स्टोर कर लेता हूं नाउ आंसर इक्वल्स टू आंसर माइनस टू टाइम्स डी पी ऑफ आई एंड एन ठीक है ना ये क्या डिनोट कर रहा है डी पी ऑफ आई एन डी पी ऑफ आई एन डिनोट नंबर ऑफ सबसेट है मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट अब वो सबसेट जो है वो ग्रुप वन में भी जा सकता है ग्रुप टू में भी जा सकता है सो इन टू टू तो आंसर में मैंने पहले टोटल पॉसिबिलिटी कवर कर ली टू की पावर एन और उसमें से ये वाली सारी पॉसिबिलिटी सब कर दे ठीक है इंटू टू क्यों किया वो भी आपको पता है अब यहां पे अलग अलग जगह पे मॉड्यूलर लगाना पड़ेगा वो मैंने कोड कमेंट्स में प्रोवाइड किया है तो आपको समझ में आ जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ये टेबल फिल करना है तो मैं कहूंगा बिग ओ ऑफ के इन टू एन जो में हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है थैंक यू